दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है सनशाइन एजुकेशन स्टोर में। ठीक है, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं, पांच छह सवाल इसके हम बता चुके हैं और आज ये आपके सामने एक दूसरा सवाल है नेक्स्ट। ठीक है, आप अपनी एक्सरसाइज के हिसाब से देखते रहिए और आगे वीडियो को शेयर करते रहिए। अभी तक आपका सपोर्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, हम आपको आगे क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि द गिवन फिगर डिपिक्ट्स ऑफ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट इंड्स आर सेमी सर्कल द डिस्टेंस बिटवीन द टू इन अ पैरेलल लाइन सेगमेंट इन 60 मीटर एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। और एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन है। ठीक है, और सेकेंड बोला है द एरिया ऑफ द ट्रैक और हिंदी में बोला है एक दौड़ने का पथ दर्शाती है कि जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि एक पथ 10 मीटर चौड़ा है, ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश पूरे चक्कर लगाने में चली गई दूरी और पथ का क्षेत्रफल। ठीक, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, हम आपको बताते हैं। इसमें कह रहा है कि ये आपको एक फिगर दिया गया है। ठीक है, आप बुक्स में देखेंगे तो ये मेजरमेंट नहीं होंगे आपके, जो मैंने मेजरमेंट कर दिए हैं इसकी डिस्टेंस बुक में नहीं है। तो देखिए, ये आपका एक ट्रैक बना है, ट्रैक वही जहाँ दौड़ा जाता है, वही ये यहाँ ये दौड़ने की जगह हुई है, आपने पार्क वगैरह में देखा होगा। ठीक है, तो इसकी जो चौड़ाई दे दी गई है ट्रैक की, जैसे आप कम से कम इतने चौड़े पे तो दौड़ेंगे या इतना चौड़ा जो भी ये होता है दौड़ने के लिए ट्रैक चौड़ाई होती है, तो उसकी इन्होंने दे दिया 10 मीटर चौड़ा है। ठीक है, बाकी इन्होंने जो ट्रैक की बीच में जो ये देखिए दो सर्किल टाइप के बनने, मतलब ट्रैक है, कहीं आगे जाके गोल भी आया है, ऐसे गोल के घूम के भी आया, तो वहाँ पर ये सर्किल है, यहाँ इसके बीच की डिस्टेंस इन्होंने दे दी है 60, मतलब ये दो पैरेलल लाइन की इन्होंने यहाँ पे बोला है, देखिएगा आप जाके, दो ये समांतर रेखाओं आंतरिक समांतर रेखाओं और इसमें बोला होगा पैरेलल लाइन सेगमेंट। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस इन्होंने कितनी दे दी है 60 मीटर। ठीक है, अब बाकी ये जो ट्रैक की इन्होंने लेंथ दी है, लेंथ होती है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ही काउंट होगी, क्योंकि जहाँ पे ये घुमावदार जहाँ से शुरू हो जाएगा वहाँ पे वो सर्किल कहलाने लगेगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया कि क्या दिया गया और क्या नहीं दिया गया। आप कह रहा है कि इसका ट्रैक की पूरी लेंथ निकालनी है, ट्रैक की पूरी क्या निकालनी है, लेंथ। तो देखिए, ट्रैक की लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, ट्रैक की लेंथ का निकालने के सेंस है, हम देखें यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, यहीं पे, और यही आपकी क्या कहलाती है, याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि सर्किल में यही आपकी कहलाती है सर्कमफ्रेंस, यानी कि परिधि। ठीक है ना, तो आप इसके परिधि निकालिए यानी पेरीमीटर, और जो सर्किल में है तो सर्कमफ्रेंस कहलाती है। पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस एक ही चीज़ है, सर्कमफ्रेंस आपके सर्किल में है तो सर्कमफ्रेंस बोलेंगे आप, और अगर रेक्टेंगल में है या स्क्वायर में है तो आप पेरीमीटर बोलेंगे, मतलब कि आप समझ लीजिए परिधि या परिमाप, अगर वर्ग या आयत में है तो आप बोलेंगे परिमाप। ठीक है, और सर वृत्त में है तो आप बोलेंगे परिधि। तो यहाँ पे देखिए आपको यही निकालना है, परिधि आप बोल सकते हैं सबकी। ठीक है, ये दिख रहा है, बस आपको इसकी डिस्टेंस निकालनी है। चलिए हम आगे आपको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं सवाल जो आपको बता दिया। देखिए, आपको सब समझा ही चुके हैं हम, यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये डिस्टेंस दिख रही है, आप बोला है ट्रैक की लंबाई आपको ज्ञात करना। तो देखिए, ट्रैक की लंबाई हम सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे कि नहीं, यस या नो, और यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ चलेंगे, पूरे में है ना ट्रैक, यहाँ से अगर दौड़ने स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से यहाँ भी चलेंगे और यहाँ भी। तो देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं, ये लेंथ और ये लेंथ, और ये लेंथ है कितनी 106। ठीक है ना, देखिए ट्रैक की लंबाई, ट्रैक की लंबाई, अब देखिए ट्रैक की लंबाई ये 106 और 106 ये दो तो हो गई, 106 प्लस 106। अब देखिए, अब हमें ये या इसका और इसका तो हमने निकाल लिया, अब हमें बचा है इसका और इसका निकालना। ठीक है ना, अब देखिए ये एक जो शेप बन रहा है ये किस टाइप का बन रहा है, ये आपका बन रहा है एक सर्किल बन रहा है, सेम ये हमी सर्किल है, सेमी सर्किल है, और अगर आप इसको पूरा कर देंगे तो क्या है, सर्किल हो जाएगा। तो दो आपके यहाँ पे क्या बनना है, ये देखिए दो आपके बन रहे हैं सर्किल, और यही हमें फाइंड करना है, ये करना है कि नहीं, और ये होता है क्या 2πr, बताया नहीं है आपको, बताया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल या परिधि, परिधि या सर्कमफ्रेंस। ठीक है ना, तो आपको क्या बताया 2πr, ये होती है सर्किल की। अब ये बन रहा है हाफ, तो हम इसमें अपॉन 2 लगा देंगे, बस
समझ गए कि नहीं? तो देखिए अब यहाँ पे और है, हमें ये निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन 1 अपॉन 2, क्योंकि हाफ है ना ये पूरा होता है 2 पाई आर, और आधा हो जाएगा इसका ये। अब इधर भी 2 पाई आर इंटू 1 अपॉन 2, इतना समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए फिर ये आ गया आपके क्या, 2 पाई आर। अब देखिए यहाँ पे हाफ है ना सर्किल, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2, फिर से आप 2 पाई आर, फिर यहाँ हाफ है तो 1 अपॉन 2 आ गया। ठीक है, अब आपको कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए हमें ये तो सॉल्यूशन बहुत इजी है, 106 106 को ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 212 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब इधर मेन कैलकुलेशन, अब देखिए 2 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7। अब आता है रेडियस यानी त्रिज्या। देखिए हम सबको पता है ये अगर सर्किल है तो ये क्या होता है, इसका डायमीटर, और डायमीटर का हाफ यानी व्यास, और व्यास का आधा त्रिज्या या रेडियस। ठीक है ना, ये अब यहाँ पे देखिए व्यास ये है यानी डायमीटर, अब ये पूरा 60 है यानी इसका हाफ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 30 ये और 30 ये हो जाएगा। बस अब आप रख दिए 30, कहाँ से आया 30 ये आपको ना समझ में आया तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से समझा सकता हूँ, फिर से वीडियो बना सकता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका 30। अब ये 1 अपॉन 2, फिर प्लस, फिर 2 इंटू 22 अपॉन 7, फिर आर इसका भी वही, ये भी क्या है 60, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, सवाल में कह रहा है। ठीक है, इसका हाफ हो जाएगा फिर से 30। अब यहाँ पे आपने फिर से 30 रख दीजिए, अब देखिए 1 अपॉन 2 आ गया। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे देखिए आप लोग, अब देखिए ये 212 प्लस, देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बाकी आपका ऊपर ऊपर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी 2 से ये 2 कैंसिल हो गया इधर भी। अब ये 22 का 30 में क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई 22 3 का क्या हो जाएगा 66 0 अपॉन 7, प्लस इधर भी आ जाएगी इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 66 0 अपॉन 7। अब देखिए फिर से कुछ कैलकुलेशन इसमें बचा नहीं, ये है। अब देखिए अब ये इजीली ऐड नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनके हर क्या है इक्वल, फिर से हम कहेंगे वही दो फ्रैक्शन हो जिनके डिनोमिनेटर या हर इक्वल हो तो उनको एज इट इज ऐसा ही लिख देते हैं, ऊपर ऊपर वाले को ऐड कर लेते हैं, तो ऊपर वाले को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 320 आ जाएगा कि नहीं? अब फिर हमें इनको इनको क्या करना है ऐड। अब देखिए इनको ऐड कैसे कर सकते हैं, इनको ऐड दो फ्रैक्शन है यहाँ क्या मान लेते हैं, 1 एलसीएम ले लिया 7 आएगा, 1 के टाइम 7 कितने टाइम जाएगा 7 टाइम, तो 7 का यहाँ क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए 7 का मल्टीप्लाई किया, 7 2 जा 14 4 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 8 और 7 2 जा 14 और प्लस 13 20 सॉरी 13 20। अब इनको हमने ऐड कर दिया, आ गया एरिया ऑफ लेंथ, आ गया ट्रैक का लेंथ। ठीक, अब ये आ गया आपका 4 और ये आ गया 0 1 कैरी, अब ये आ गया आपका 8 और ये 2, ये आपका ट्रैक का क्या आ गई, ये आ गई लेंथ ऑफ ट्रैक। ठीक है, ये आपका आ गया लेंथ ऑफ ट्रैक। ठीक है, यही निकालना था हमको, लेंथ ऑफ ट्रैक आ गई आपके सामने आंसर है ही। अब ये लेंथ है तो आप बता दिए सेंटीमीटर में है, सब सब मीटर में है तो मीटर में आंसर आ गया बस आपका। आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखिए ये पहला सवाल है, इसमें दो दिए हैं सवाल। ठीक है, अब दूसरा समझिए, इसमें था पहला कि ये आप पथ की लंबाई निकालिए, दूसरा आया आप ये जो ट्रैक बना इसका एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना है आप लोगों को। ठीक है, तो दूसरा अब हम बताते हैं। जैसा कि देखिए हमने इस क्वेश्चन का आपको पहला पार्ट बता दिया था, ये दो पार्ट में क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट बताने जा रहे हैं। तो दूसरे पार्ट में, पहले पार्ट में कह रहा था लेंथ फाइंड करिए ट्रैक का, जो हमने आपको दिखा दिया है। अब यहाँ पे कह रहा है एरिया फाइंड करिए ट्रैक का, तो देखिए एरिया जो है फाइंड करेंगे ट्रैक का तो कैसे करेंगे, एरिया फाइंड करने के लिए देखिए हमको एरिया फाइंड करना है ट्रैक का, और ट्रैक बन रहा है ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट। ठीक है, इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये पार्ट का ये देखिए ये ट्रैक दिख रहा है यहाँ पे भी, ये इस पार्ट का ट्रैक ये। ठीक है, तो देखिए इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले तो अगर हम इसका इसका एक रेक्टेंगल में रहेंगे यानी आयत में रहेंगे, तो देखिए आयत का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो बड़ा आयत दिख रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे आपको समझाते हैं, देखिए ये एक बड़ा आयत है, ये मान लीजिए छोटा आयत है। ठीक है, यानी रेक्टेंगल देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी, और इसका मान लीजिए ई
एफ जी एच आई हमें इसका एरिया निकालना है, तो हम ए बी सी डी का एरिया निकाल के एफ जी एच आई में सब ट्रैक कर दें, आंसर आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, ट्रैक का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख देंगे, ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस, अब ये क्या है, एफ जी एच आई का क्षेत्रफल, यहाँ देखिए लिखा है ई एफ जी एच आई का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस ई एफ जी एच आई का क्षेत्रफल। इतना समझ में आया आप लोगों कि नहीं आया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे इसमें क्या कहते हैं, ये राउंड में भी है ट्रैक, ठीक है। अब राउंड में ट्रैक का एरिया कैसे निकालेंगे, राउंड में क्या बनेगा, ये देखिए सेमी सर्किल बन रहा है कि नहीं, ये देखिए अर्धवृत्त बन रहा है, ठीक है, एक ये और एक ये। अब देखिए राउंड में अगर निकालना हो तो देखिए ये एक अर्धवृत्त और फिर एक यहाँ पे ये अर्धवृत्त बन रहा है ये, और हमें एरिया निकालना है इसका यानी क्षेत्रफल। तो आपको फिर कुछ नहीं करना है, आप ये छोटे वाले का एरिया निकालिए और बड़े वाले का एरिया घटा दीजिए बड़े वाले में, ठीक है, बड़े वाले का एरिया निकाल के छोटे वाले को उसमें घटा दिए, देखिए यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब बड़े वाले का आपको रेडियस पता होनी चाहिए, कि आपको वृत्त का एरिया निकालने के लिए अर्धवृत्त का एरिया निकालने के क्या पता होना चाहिए, आपको त्रिज्या पता होनी चाहिए, और त्रिज्या आपको दी गई है, देखिए ये 60 दी गई है छोटे वाले, देखिए पहले एफ के जे में, तो एफ के जे में ये 60 है व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी, 30 और 30 हो जाएगी कि नहीं, ठीक है। अब देखिए बड़ा वाला दिख रहा है बी एल सी, तो बी एल सी की त्रिज्या क्या हो जाएगी, देखिए ये थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप लोग, ये 10 है, ठीक है, ये देखिए ये 10 है, ये 10 है और ये 10 है, ठीक, और ये 60 है, तो टोटल 80 हो गया कि नहीं, फिर से देखिए ये 10 और ये 10 और ये 60, तो टोटल कितना हो गया 80। अब देखिए टोटल 80 हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 80 हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि व्यास 80 हो गया, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ठीक है, 40 ये और 40 ये, समझ में आया कि नहीं आया। देखिए कुछ नहीं है, वो वहाँ पे 60 दिया गया है, आप 10 ऊपर जो उसकी चौड़ाई दी गई ट्रैक की, जब हम बड़ा वाला सर्किल लेंगे तो चौड़ाई भी इंक्लूड कर लेंगे उसमें, ठीक है, जैसे हमने ये देखिए 10 यहाँ 10 यहाँ इंक्लूड कर ली है, तो ये 60 से क्या हो गई, 80 हो गई। अब व्यास होगा 80 यानी डायमीटर, और उसी का हाफ होता है रेडियस, तो बड़े वाले की रेडियस क्या आ जाएगी, 40, ठीक है, ये हमने यहाँ फिगर में भी आपको दिखा दी। अब देखिए अभी हमने बताया था यहाँ पे जैसा कि आपको ये बड़ा वाला सर्किल और छोटे वाले अर्धवृत्त को घटा देना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस बड़ा वाला है तो क्या होगा, यहाँ पे नाम देख लिया आप बी एल सी, ठीक है, बी एल सी का क्षेत्रफल माइनस, अब देखिए छोटा वाला क्या बना, एफ के जी, ठीक है, ये देखिए एफ के जी का क्षेत्रफल, ठीक है, तो एफ के जी का क्षेत्रफल, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए ये बी एल सी जो है, देखिए बी एल सी और सेम एज इट यहाँ बना ए जे डी, ठीक है, तो ये बी एल सी ये ए जे एल के डी के इक्वल है, क्योंकि इसकी भी रेडियस 40 है, तो इसकी भी रेडियस क्या होगी, हम यहाँ से निकालेंगे 40 और 40 होगी, ठीक है, तो यहाँ पे हम बी एल सी को दो कर देंगे, दो बी एल सी, और यहाँ पे एफ के जे है तो दो एफ के जे हो जाएगा, क्योंकि एफ के जे, तो देखिए ये ई आई एच बी क्या है आपस में, ये इक्वल है, ठीक है, ई आई एच बी इक्वल है, तो टू ई आई एच यानी एफ के जे हो जाएगा, इतना समझ में। अब देखिए ए बी सी डी का आपको एरिया निकालना है, तो ए बी सी डी का एरिया एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया सबको पता है एल इंटू बी होता है, ठीक है ना, यानी लेंथ और ब्रेथ यानी लंबाई और चौड़ाई, ई एफ जी का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, ठीक है। अब इधर आ जाइए, ये बन रहा है क्या अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर व हाफ, ठीक है, और ये टू है तो ये वाला टू लिख लिया हमने, अब माइनस, ठीक है, ये ब्रैकेट में रख लिया। अब यहाँ पे भी एक ये एफ के जे का क्षेत्रफल, एफ के जे भी एक क्या बन रहा है अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल, तो इसका भी लिख दिया हाफ पाई आर स्क्वायर और इंटू टू, ठीक है, इतना आ गया समझ में कि नहीं आ गया। देखिए दो वृत्त हैं और दो वृत्त तो अर्धवृत्तों के हमने क्षेत्रफल लिख लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए एल यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी में, देखिए ए बी सी डी में एल दिख रहा है ये 160,
ठीक है ना, तो एल क्या हो जाएगा 160। अब ब्रेथ ब्रेथ देखिए इसकी कितनी हो जाएगी, अभी बताया था ना आपको, यहाँ पे फिर से देख लीजिए, ये थी आपकी 60 थी, यहाँ पे देख लीजिए एक नया फिगर बना देते हैं, यहाँ पे ये 60 था आपका, ठीक है, और ये आ गया बड़ा वाला 10, ये और 10 ये, यानी 80 हो गया कि नहीं हो गया, ये 10 और ये 10, तो ये पूरी टोटल कितनी हो गई 80। तो इसकी लंबाई ब्रेथ कितनी हो जाएगी 80, ये बड़े वाले की, ठीक है। अब इधर आ जाइए, इसकी है ये छोटे वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो छोटे वाले की लंबाई तो वही रहेगी 106 और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 60, ठीक है, ये आपका हो गया। अब एरिया में आ जाइए, आप देखिए क्षेत्रफल में, अब क्षेत्रफल में प्लस, ठीक है, प्लस आ गया। अब हाफ हाफ पाई की वैल्यू सभी को पता है, 22/7। अब आ गए रेडियस, अब देखिए ये बड़ा वाला है बी एल सी, बी एल और सी में, देखिए बी एल और सी में, बी एल सी का रेडियस अभी देखिए बड़ा बन रहा है, ये हमने बताया था 40 होगी ये, फिर से इधर दिखा देते हैं आपको, ये देखिए ये बन रहा है छोटा वाला और ये बन रहा है बड़ा वाला, ठीक है, इसकी रेडियस है ये 60 और ये ब्रेथ दी गई है 10 और 10 ये दी गई है, ठीक है, तो 60, 70, 80 हो गई। अब 80 हो गई टोटल, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 40 और 40 हो जाएगी रेडियस, यानी त्रिज्या 40, 40 हो जाएगी 80 है, ठीक है, तो यहाँ क्या रख देंगे 40 × 40, दो बार क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रखा है, ठीक है, अब × 2, दो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दो अर्धवृत्त बन रहे हैं, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ठीक है, फिगर में यही है, इसलिए दो का मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस। अब इधर आ जाइए हाफ पाई की वैल्यू फिर से 22/7 × अब छोटे वाले की आर देखिए, ये छोटा वाला है ये, ठीक है ना, ये अब इसकी 60 है, इसमें दी गई और रेडियस कितनी हो जाएगी 30, तो 30 × 30 × 2, इतना समझ में आया आप लोगों की नहीं आया। अब देखिए कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, इनका इनकम क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब लेंथ यहाँ पे 106 होगी, ठीक है, 106, अब इनका इनका मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना है या तो कॉमन लेके आप सब्ट्रैक्ट करके फिर मल्टीप्लाई करिए, या तो इनका मल्टीप्लाई करिए, इनका मल्टीप्लाई फिर सब्ट्रैक्ट करिए। देखिए कॉमन लेके करेंगे तो इजी पड़ेगा कैलकुलेशन, 106 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, अब देखिए ये कितना इजी हो गया, 80 में 60 चला जाएगा, 20 आ जाएगा, और क्या कहते हैं आपका 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब इधर आ जाइए, इधर ये 2 से ये 2 कट हो गया, बाकी तो कुछ कट होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दिए जो जो बचा, क्या कर दिए, 40 का 40 में 160 आ जाएगा, ये आ गया आपका 60 × 22/7 माइनस। अब इधर भी 2 से 2 कट गया, अब इनका इनका मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आ जाएगा 900 × 22/7, ठीक है, ये इतना समझ में आ गया आप लोगों के। अब देखिए इधर क्या है, 106 है, इधर क्या बचेगा 20 आ गया, ये आप सब्ट्रैक्ट करके आएंगे 20 आ गया, ठीक है, अब प्लस, अब इधर या तो आप कॉमन लेके कर लिए या फिर वही इनका इनका मल्टीप्लाई किया, इनका मल्टीप्लाई फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर दिए, कॉमन लेके इजी हो जाएगा। देखिए 22 इसमें भी है, 22 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी, तो 22/7 हमने ले लिया कॉमन, ठीक है, यहाँ बचा 1600 और 900, ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों की नहीं आया। अब देखिए इसमें आप सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब इसका मल्टीप्लाई कर दिए, 106 का 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 212 0, अब प्लस इसका इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, 1600 में 900 जाएगा, कितना बचेगा 700 बचेगा, अब ये 22/7 × 700 बचा कि नहीं बचा आपका, ठीक है। अब देखिए इधर ये आ गया आपका और इधर ये 7 से कट जाएगा 100 टाइम में, तो यानी कि आ गया 2000, बस अब इनको ऐड कर देना आपको, 0 का 0 आ जाएगा, 2 का 2, 2 1 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में सब दिया गया तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर, एक मीटर में दिया गया तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाला है आपने, ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रैक, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रैक आ गया आपका।
सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, ज़्यादा कैलकुलेशन भी ज़्यादा टफ नहीं था। देखिए कैलकुलेशन टफ आप बना लेते हैं, कैलकुलेशन टफ होता नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे अपने आप कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैलकुलेशन था, अगर हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और फिर 7 से डिविजिबल दे देते हैं तो इतना टफ कैलकुलेशन हो जाता। हम सच बता रहे हैं, आप करके देखिएगा घर में। अगर आप इसका इसका मल्टीप्लाई करके और 7 से डिवाइड करके देखिएगा, पॉइंट में आंसर आएगा और आप उसी में झूलते रह जाएंगे। तो कैलकुलेशन को इजी बनाना है हमें, कैलकुलेशन को टफ नहीं बनाना है बिल्कुल भी। देखिए कैलकुलेशन इजी कैसे हुआ, हमने 22.7 कॉमन ले लिया, यहाँ 16 रहे हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आता है, हमें पता आप लोग थोड़ा सा नए बच्चे होंगे, आप 10th में हैं, लेकिन आपको फिर भी डेवलप करना है, अगर आगे बढ़ना है तो डेवलप करना है, ठीक है। इसी तरह हमारे चैनल को भी आगे बढ़ाइए और डेवलप कीजिए, ठीक है।